केंद्र सरकार से निराश किसानों ने 27 मई को देशव्यापी विरोध दिवस मनाया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में 300 से ज्यादा किसान संगठन इसमें शामिल हुए। AIKSCC ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें लॉकडाउन के बाद बेहाल किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। इस चिट्ठी में भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों समेत सभी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए नए KCC कर्ज तुरंत जारी करने, PM किसान का भुगतान 18,000 रुपये सालाना करने, सभी फसलों की C2 लागत का 1.5 गुना दाम देने और इस पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग सामने रखी है। साथ में जल्दी खराब होने वाले दूध, फल, सब्जियों जैसी कृषि उपज की भी MSP तय करने की मांग उठाई है। इसमें बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने और उन्हें दूसरे किसानों के बराबर ही लाभ देने की मांगे भी शामिल हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक किसान नेता सरदार VM सिंह जी जुड़ गए हैं। VM सिंह जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि किसान बचाओ देश बचाओ, इस मुहिम के पीछे क्या कारण है? सब किसान देश भर से उनकी ये मांग है कि जिस तरह का राहत पैकेज दिया वो क्लियरली ना काफी है, कर्ज नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, कोरोना के अंदर जब हर आदमी मारामारी के अंदर था, महामारी इतनी खराब थी ये, तो सबको खाने को मिला, पर जो आदमी खाना खिला रहा था वो आज भूखा मरने की करार पे आ गया है। अगर किसान बच्चे आगे खेती नहीं कर रहे, जो खेती कर रहा किसान है वो भी अगर छोड़ जाएगा तो कहाँ से खाओगे? जो आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं भंडारण भरा हुआ है, कहाँ से भरा हुआ है? इन्हीं किसानों की बदौलत भरा हुआ है। इसलिए अगर खेत को बचाना है, किसान को बचाना है, तो उसको दाम देना पड़ेगा, और देश को अगर बचाना है तो किसान को बचाना होगा, क्योंकि देश क्या खाएगा? आप MSME को पैसा दे दो, डट के दे दो, 3 लाख करोड़ नहीं 6 लाख करोड़ दे दो, 10 लाख करोड़ दे दो, पर अगर वहां से अगर क्या आएगा, जो भी वहां से आएगा, जो बन के आएगा, जो सप्लाई आएगी, उसको खरीदेगा कौन? देहात का आदमी खरीदेगा, उसके पास बाइंग कैपेसिटी होगी तो लेगा, और देश क्या खाएगा? VM सिंह जी, ये बहुत बेसिक सी बात नहीं है कि डिमांड को फ्यूल करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए ग्रामीण भारत में पैसा डालना होगा? और ये एक अच्छा मौका भी है, क्योंकि आपकी फसलों की खरीद हो रही है, पैसे हाथ में आए, लेकिन इसके ठीक उलट देख रहे हैं, फसलों की खरीद हो रही है लेकिन MSP पर खरीद नहीं हो रही, भाव बहुत नीचे है, खेतों में जो पेरिशेबल साग सब्जियां हैं वो सड़ रही हैं, दूध का भाव देख लीजिए वो बुरी तरह से लुढ़क गया है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी बेसिक सी चीज क्यों नहीं समझ में आ रही, और राहत पैकेज में ये कहीं नहीं झलका कि फिर से इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल, उसको ताकत दी जाए? आज हमारा विरोध वही है कि प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज दिया है, ना इसमें आपने कुछ जो MSP हमें कम मिला है उसकी बात करी है, ना दूध की बात करी है, ना फल की बात करी है, ना सब्जी की बात करी है, ना फूलों की बात करी है, आपने किसी चीज का जिक्र नहीं किया है। आपने केवल किया तो हम कर्जा और दे देंगे, अरे कर्ज में तो हम डूबे हुए हैं। अगर इनको समझ नहीं आता, इसलिए तो आज देश को बताने का है कि अगर देश को बचाना है तो किसान को बचाना है, इसलिए किसान बचाओ तो देश बचेगा। इसलिए आज जो मुहिम हो रही है, हर जगह से, हर तहसील से, हर जिले से, पूरे देश के प्रधानमंत्री जी को संगठनों की चिट्ठी आ रही है कि प्रधानमंत्री जी आप बेशक इन चीजों को नहीं आप जान पाए, आपके वित्त मंत्री जो हैं वो गांव से नहीं है, वो नहीं जान पाई हैं, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमें ये चीजें दो तो किसान बचेगा, वरना अगर किसान नहीं बचेगा तो बड़ा मुश्किल है कि देश क्या बचेगा। आपको अभी भी लगता है कि कोई गुंजाइश बची है? क्या कुछ चीजों पर वो सोच सकते हैं, कुछ नया पैकेज ला सकते हैं जो कि इन दिक्कतों को दूर करे? हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं मजदूर और किसान, लेकिन अभी भी उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, वही प्रॉब्लम है कि आज की तारीख में आपने जैसे कहा 3,500 करोड़ हमने मजदूरों को दे दिया है, 8 करोड़ मजदूरों को, अरे एक आदमी का अगर 5 आदमी होते हैं तो 1.45 रुपए होता है एक दिन का, आप क्या दे रहे हो? आंकड़े बड़े बड़े दिखा रहे हो। इन मजदूरों को आपको चाहिए कि आप कहो कि ठीक है तुम घर जा रहे हो, तुम्हें जो है 5,000 रुपया 10,000 रुपया हम एक एक महीने का देंगे, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए तुम्हारा गुजारा चल जाए, समझ में आता है? वही किसान से आप कहिए तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है, तुम्हें हम 10,000 रुपया महीना देंगे 6 महीने के लिए, अपना गुजारा कर लो। आप कुछ नहीं कर रहे, आप कह रहे हो
हम जो है किसान सम्मान नीति हमने जो पहले करी थी हम उसी को देने को तैयार हैं। अरे वो तो आपने पहले दी थी, ये रिलीफ में क्या आ रहा है, राहत क्या है, मुआवजा क्या दे रहे हो हमारे नुकसान का? अगर आपको देना ही है तो 18,000 रुपए दो, जो हमने डिमांड किया है आज, आपको 6,000 से क्या काम चलेगा, और वो भी 18,000 जहां तक कैश हाथ में रखने की बात है। निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि अगर हम कैश देंगे तो उससे तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे ओवरलैप्स होंगे, क्योंकि तमाम तरह की योजनाओं के जरिए ऑलरेडी लोगों तक धन पहुंचाया जा चुका है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं आपसे कहता हूं कैश मत दो हमें, हमारा जो मूल्य है निर्धारित मूल्य है फसल का वो पूरा हमें दे दो, जो आपने MSP दर्ज किया है वही दे दो भाई। हम नहीं कह रहे कि हमें स्वामीनाथन का 50% एक्स्ट्रा करके, जो आप वाला है वही दे दो ना हमें कम से कम, वो भी आप देने को तैयार नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, गन्ना किसानों का रेट जो है सरकार ने माना है कि 290 रुपए प्रति क्विंटल उत्पादन का रेट है, डेढ़ गुना हो गया 435, हमें मिल रहा है 315। एक एकड़ में 400 क्विंटल भी अगर हुआ तो 48,000 रुपया प्रति एकड़ आप हमें घाटा दे रहे हो, 5 एकड़ का आप हमें लगभग 2.5 लाख रुपए का घाटा दे रहे हो, और आप दे रहे हो हमें 6,000 रुपए साल का, आप बेवकूफ बना रहे हो। और वही गन्ना किसान के लिए आज जो पैकेज में हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लिए अगर मैं बात करूं तो 40 लाख गन्ना किसान ऐसे हैं जो परिवार हैं जो सोसाइटी के माध्यम से मिलों को गन्ना दिया है, और 20,000 करोड़ रुपए हमारा ब्याज समेत बनता है इस साल का। अरे हमें राहत मत दो, हमारा पैसा लौटा दो। दिक्कत तो है और इसको कहीं ना कहीं नियत नहीं दिख रही है कि उनके हाथ में पैसा दें, उनका वाजिब फसल का दाम उनको दें। अब ये बताएं कि जब सब लोग गांव की ओर रुख कर रहे हैं इस आपदा के समय, गांव की स्थिति कैसी है, क्या वो संभाल पाएगी व्यवस्था, या चरमरा जाएगी, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए जो पैकेज है मेरे हिसाब से पैकेज देना चाहिए था इनको, हर मंडल में एक बड़ी इंडस्ट्री लगाते, उसके लिए एडवांस देते, क्योंकि पहले क्या था इंडस्ट्री लगती थी वहां पर जहां बिजली होता था पानी होता था, आज बिजली हर कहीं है तो आज वहां करो जहां पर जो ये लोग लेबर वापस गई है उनको भी रोजगार मिल जाए। आज आप चाहोगे रोजगार के लिए वो 1500 किलोमीटर फिर जाएं, 2000 किलोमीटर फिर जाएं, ना लेबर जाएगा ना नौ मंथ होगा ना राधा नाचेगी, इसलिए पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इकोनॉमी रूरल इकोनॉमी के बलबूते पर चलना पड़ेगा, और रूरल इकोनॉमी को आप स्ट्रांग नहीं करोगे तो देश स्ट्रांग नहीं होगा। वही हमने कहा किसान बचाओ और देश बचाओ, आज की तारीख में आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। सरकार तो ढांचागत सुधार की बात कर रही है, जो दीर्घकालीन प्लान्स हैं वो सरकार ने सामने रखे हैं। देखिए सरकार के प्लान जो है कौन बनाता है मुझे मालूम नहीं है, वहां पर ऐसे लोग बैठे खेती के बारे में मालूम नहीं कि खेती कहां से स्टार्ट होती है कहां खत्म होती है, ना कभी उनके बाप दादा ने खेती करी है, ऐसे काम नहीं चलता है। जी वीएम सिंह जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए।